एवरीवन, मायसेल्फ मनीषका सत्यपाल एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्वेश्चन लर्निंग। आज हमें पढ़ना है एटम्स एंड मॉलिक्यूल के बारे में। चैप्टर नंबर 3 है हमारी क्लास 9th का। तो इसमें है क्या, एटम्स एंड मॉलिक्यूल को हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हमें ये जानना है कि कौन से वो साइंटिस्ट या फिलोसफर रहे थे जिन्होंने क्या करी, इसके बारे में डिस्कवर करा था। सबसे पहले आता है हमारा महर्षि कर्णन, ठीक है, एन इंडियन फिलोसफर। महर्षि कर्णन पोस्टुलेटेड दैट इफ यू गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, पदार्थ, इन्होंने क्या कहा, अगर हम किसी मैटर को, मैटर क्या है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास कॉल्ड मैटर, कोई भी चीज स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, ठीक है, क्या कर रही है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और उसके पास क्या है, उसके पास मास होना चाहिए, ठीक है। ये तो कंडीशन क्या है, जरूरी है एक किसी चीज को मैटर कहने के लिए, क्या, पहली तो स्पेस ऑक्यूपाई करनी चाहिए और दूसरे उसके पास मास होना चाहिए। एग्जाम्पल है हम लाइट का, तो लाइट को हम मैटर कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि लाइट क्या है, कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रही है। स्पेस ऑक्यूपाई करने का इन द सेंस कि अगर अपने पाम पे मार्कर रख देती हूँ तो मैं इस जहां पे मार्कर वो रखा हुआ है उसके अलावा मैं वहां पे कोई जगह नहीं, कोई और चीज नहीं रख सकती, ठीक है, कोई भी चीज नहीं रख सकती। बट अगर मैं मार्कर हटा दूं तो मैं वहां पे रख सकती हूँ, इट मीन्स कि मार्कर के अंदर कुछ ना कुछ वेट है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है। बट अब बात करो लाइट की, तो लाइट क्या है, लाइट मेरे हाथ पे तो है ना, मतलब मेरे हाथ पे लाइट का रिफ्लेक्शन तो पड़ रहा है, पर क्या हो रहा है, उसके ऊपर मैं कुछ कोई भी सब्सटेंस कोई भी थिंग रख तो पा रही हूँ ना, मतलब वो क्या कर रही है, कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रही है, ठीक है, क्या नहीं कर रही, स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रही है। हम कहाँ पे थे, हम थे महर्षि कर्णन पे। तो महर्षि कर्णन ने ये बोला था कि हम कोई भी मैटर को कितना भी डिवाइड कर ले, वो डिवाइड होता जाएगा, ठीक है, पदार्थ। उनने क्या कहा था, जो सबसे छोटा उसने कहा था पदार्थ, वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, हमें छोटे से छोटा पार्टिकल रहेगा, मिलता रहेगा। देन हमारे सेकेंड आते हैं फिलोसफर, वो थे ये जो थे हमारे फिलोसफर थे, ठीक है, साइंटिस्ट थे, फिलोसफर थे। सेकेंड आते हैं हमारे पकुदा हत्या। अब इन्होंने क्या कहा, एंड इलैबोरेटेड दिस डॉक्ट्राइन एंड सेड दैट दीस पार्टिकल्स नॉर्मली एग्जिस्ट इन अ कंबाइंड फॉर्म व्हिच गिव अस वेरियस फॉर्म ऑफ मैटर। उन्होंने कहा वो जो छोटे 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 पार्टिकल्स है ना, वो आपस में मिलके क्या करे, ग्रुप बना रहे हैं, जिससे हमें बाद में क्या मिल रहा है, हमें मैटर मिल रहा है, ठीक है। मान लो कि बहुत सारे छोटे छोटे एटम्स है, ठीक है, वो मिलके क्या कर रहे हैं, मैटर कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। उन्होंने जो हमारे महर्षि कर्णन थे, उन्होंने क्या थ्योरी दी, उन्होंने बोला कि हम कितना, मतलब हम एक मैटर को कितना भी, मतलब स्मॉलर स्मॉलर पार्ट में डिवाइड करते रहेंगे वो होता रहेगा। इन्होंने क्या बोला कि वो छोटे छोटे पार्ट जोड़ते रहेंगे तो मैटर कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद क्या आता है हमारे, फिर आते हैं ग्रीक फिलोसफर्स, ठीक है, कौन से ग्रीक फिलोसफर, कौन कौन से, वो डेमोक्रेटस एंड यूसिपस, ठीक है। इन्होंने भी कुछ यही थ्योरी दी थी जो हमारे इंडियन फिलोसफर ने दी थी। इन्होंने बोला डेमोक्रेटस एंड यूसिपस सजेस्टेड दैट इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, इन्होंने कहा कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते रहेंगे, अ स्टेज विल कम व्हेन पार्टिकल्स ऑब्टेंड कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। उन्होंने कहा जब डिवाइड करते रहेंगे ना, तो उसके बाद एक ऐसी स्टेट आएगी जिसके आगे वो पार्टिकल डिवाइड हो ही नहीं पाएगा, ठीक है, मतलब कि एक ऐसी स्टेट आएगी मैटर को डिवाइड करते करते कि उसके अलावा उसके आगे क्या हम उस पार्टिकल को, उस मैटर को फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे। ये किसने कहा था, एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स ने कहा था, जो कौन कौन थे, ल्यूसिपस एंड डेमोक्रेटस। डेमोक्रेटस कॉल दीज इंडिविजुअल पार्टिकल्स एटम, ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, डेमोक्रेटस ने क्या नाम दिया इन पार्टिकल्स को, एटम दिया, और महर्षि कर्णन ने क्या दिया था, पदार्थ दिया था। तो यही थे हमारे चार साइंटिस्ट, चार फिलोसफर। अब हमें पढ़ना है कि एटम है क्या और बहुत सारी चीजें, कि एटम की जो मेन थ्योरी थी और आगे किस किस ने दी थी। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसमें हमें दो लॉज के बारे में पढ़ना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में एंड लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में। लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन को हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। ये लॉ हमें दिए किस किस ने थे, लवॉइजर एंड जोसेफ एल प्राउस्ट ने ये हमें लॉ दिए थे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या होता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, कि मास ना ही बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है, किसमें, एक केमिकल रिएक्शन में। आप केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं तो लेते हैं पेपर का एग्जाम्पल। अब मान लो पेपर को मैंने क्या
बर्न कर दिया, ठीक है। अब बर्न करने के बाद उसके एशेज बचे, मैं कुछ भी करूँ वो एशेज खत्म नहीं होंगे, मतलब थोड़े 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 एक मतलब कुछ स्मॉलेस्ट पार्टिकल मेरे पे बचेगा इन द एंड। मतलब कि कितना भी हम क्या उसमें केमिकल रिएक्शन कर ले, क्या होगा कि कुछ ना कुछ मैटर मास बचेगा ही बचेगा। तो यही हमारा पहला लॉ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, मास ना ही खत्म हो रहा है ना ही बन रहा है, किसमें, केमिकल रिएक्शन के अंदर। एग्जाम्पल ए प्लस बी गिव्स ए सी प्लस डी, ठीक है। ए प्लस बी, ए और बी हमारे अलग कंपाउंड थे जिनको हमें मिला क्या करा, आपस में केमिकल रिएक्शन करा, जिससे हमें क्या मिला, सी प्लस जी ऑप्टेन हुआ हमें। ये कहते हैं, ये थे हमारे रिएक्टेंट्स, ये थे हमारे प्रोडक्ट्स, ये दोनों क्या किए थे, हमने केमिकल रिएक्शन को अकर करने में जो चीजें हमारी यूज हुई थी, मटेरियल जिन्हें कहेंगे वो होते हैं। सी प्लस जी क्या है, जो हमारा प्रोडक्ट आ रहा है, हमें उन रिएक्शन को करने के बाद जो प्रोडक्ट आ रहा है वो है रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट, मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या आएगा, मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का मास आएगा इज इक्वल टू रिएक्टेंट का प्रोडक्ट आएगा, सॉरी प्रोडक्ट का मास आएगा। देन आता हमारा लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, इसमें क्या था, सेकेंड नेम था वो क्या था, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्या था, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट मतलब सुन के लग रहा है कि हाँ कोई चीज डेफिनेट क्वांटिटी में है, डेफिनेट प्रोपोर्शन में है। इन अ केमिकल सब्सटेंस एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन आर डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। क्या कह रहा है, कोई केमिकल सब्सटेंस में ना जो क्या होता है, एलिमेंट्स होते हैं, मॉलिक्यूल आइटम नहीं, एलिमेंट्स जो होते हैं किसमें होते हैं, एलिमेंट्स हमारे के तीन टाइप के थे, कौन कौन से, प्योर मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। तो इसमें कह रहा है कि एलिमेंट्स थे ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन, हमेशा ना डेफिनेट प्रोपोर्शन में होंगे प्रेजेंट, उनके भले ही सोर्स कुछ भी हो। एग्जाम्पल लेते हैं, इन H2O वाटर का द रेशियो ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8। क्या बोला इसने कि अगर हम वाटर का एग्जांपल लेंगे तो इसमें हाइड्रोजन का जो मास का रेशियो का हम देखें तो 1 होगा, ऑक्सीजन का क्या होगा, 8 होगा। दैट मींस कि कुछ भी सोर्स हो, मैं भले ही पानी ले लूं ओशन में से, अगर मैं उसमें से पानी लेती हूँ तो इसमें 1:1 मॉलिक्यूल किस 1:1 किसका आएगा, हाइड्रोजन का ही आएगा, 8:1 में किसका आएगा, वाटर का ही आएगा, सॉरी ऑक्सीजन का ही आएगा। कुछ भी सोर्स है मेरा, अगर मैं पानी से ले, कुएं पानी से ले रही हूँ, ठीक है, कहाँ पानी कोई से ले रही हूँ, या फिर मैं ले रही हूँ ओशन से, सी से, पॉन्ड से, कहीं से भी ले रही हूँ, वाटर हो ना तो वाटर का क्या होगा, कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन में उसका मास होगा। अब इसके बाद हम आगे पढ़ते कि एटम्स क्या है एंड मॉलिक्यूल क्या है। एटॉमिक थ्योरी, डेल्टन, जॉन डेल्टन थे हमारे ब्रिटिश के केमिस्ट थे, जिन्होंने हमें थ्योरी दी थी एटम्स के ऊपर। इन्होंने पहले क्या कहा, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल और टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। हर एक मैटर क्या, किस चीज का बना हुआ है, छोटे 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 पार्टिकल्स का बना हुआ है। एवरी मैटर, मैटर क्या था, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास कॉल्ड मैटर। तो हर एक चीज, ठीक है, ये मान लो तो ये क्या है, ये छोटे छोटे किसकी बनी हुई है, एटम्स की बनी हुई है, मतलब छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल पार्टिकल्स की बनी हुई ना, उन्हें हम क्या कह रहे हैं, एटम्स कह रहे हैं। पहला पॉइंट तो ये था, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल और टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। इतने स्मॉल थे ये कि नेक्ड आई से देखे नहीं जा सकते थे, ना ही आगे डिविजिबल हो सकते थे, मतलब अगर एज्यूम करते हैं तो मैं इस मार्कर को डिवाइड कर सकती हूँ, ठीक है, छोटे 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 पीसेस में, मतलब जहां तक डिवाइड हो सकते वहीं तक डिवाइड कर सकती हूँ। बट जब एक ऐसी स्टेज आएगी जब मैं से आकर डिवाइड नहीं कर सकती, तो वो किस चीज की, एटम आ जाएगा उस पर। एटम्स आर नॉट डिविजिबल, एटम्स क्या डिविजिबल नहीं है, डिवाइड नहीं हो सकते आगे। एटम क्या है, सबसे छोटी यूनिट है किसी भी मैटर की, एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। हम कहे कि फिजिकल मेथड से तो एटम को तोड़ नहीं सकते, केमिकल रिएक्शन से तोड़ सकते हैं, नहीं। एटम्स क्या ना ही बनाए जा सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय करे जा सकते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर, ना ही बनाए जा सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर सेम इन साइज, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एक एलिमेंट के जो एटम्स होंगे वो डिफरेंट इन साइज में, डिफरेंट होंगे, सेम होंगे साइज में, मास में और केमिकल प्रॉपर्टीज में। दैट मींस कि एग्जांपल लेते हैं इस बोर्ड का, तो अगर इस बोर्ड के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट होंगे ना वो डिफरेंट ही होंगे, क्योंकि सेम एलिमेंट के अंदर प्रेजेंट है। इसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे सब क्या होंगे, सेम साइज के होंगे,
सेम मास होगा उनमें, ऐसे किसी का मास 2 ग्राम है तो किसी का 3 ग्राम है ऐसे। और यदि केमिकल प्रॉपर्टीज भी इनकी क्या होगी, सेम ही होगी, डिफरेंट नहीं करेगी एक दूसरे से, क्योंकि ये एक ही एलिमेंट के अंदर प्रेजेंट है। देन आता है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन साइज। सो कॉमन सी बात है कि जो अगर हम बात करें एक ही एलिमेंट की, तो उसके अंदर जो एटम्स प्रेजेंट है कैसे होंगे, सेम होंगे साइज में, मास में, केमिकल प्रॉपर्टीज में। बट हम बात करें डिफरेंट एलिमेंट्स की, फॉर एग्जाम्पल ये पेन और ये बोर्ड, ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। अगर हम इनके एटम को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, डिफर करेंगे, मास में डिफर करेंगे, साइज में डिफर करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज में भी डिफर करेंगे। तो देन इसके बाद आता है एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ अ स्मॉल होल नंबर फॉर्म का कंपाउंड। एटम्स जो होते हैं ना, जब कंबाइंड होते हैं होल नंबर के फॉर्म में, ठीक है, क्या एटम्स कंबाइंड रेशियो में, सॉरी होल नंबर के रेशियो में जो एटम कंबाइंड होते हैं क्या करते हैं, कंपाउंड फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2O, जिसमें हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन के हम पे दो है, दो हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन कितना है, एक ही है, भले कुछ भी सोर्स हो, ठीक है। क्या है था कि जब एक रेशियो में आ रहा है ना, मतलब उसके जो होल नंबर ना स्मॉल ही होंगे, कैसे जस्ट और बात करें जैसे कि अलग, तो 2:1 कार्बन डाइऑक्साइड 2:1, दो मॉलिक्यूल्स कार्बन के और एक मॉलिक्यूल किसका, नहीं सॉरी, एक मॉलिक्यूल कार्बन का एंड दो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के, ये भी हो गया। देन द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कॉन्स्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। एक कंपाउंड में जो रिलेटिव नंबर होगा और एटम का जो काइंड होगा कैसा होगा, कॉन्स्टेंट होगा, डिस्क्रीट मैनर में नहीं होगा। दैट मीन्स कि जो एटम्स है उसके अंदर जो भी, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं H2 होगा, वाटर का क्या रेशियो था, 2:1 हमारा वाटर का रेशियो था। हाँ, कोई कुछ नहीं है, कहाँ से वाटर का सोर्स आ रहा है, अगर यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है तो उस वाटर में क्या होगा, हाइड्रोजन का सोर्स, हाइड्रोजन दो ही प्रेजेंट होंगे, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एक ही प्रेजेंट होगा। कितना ही वाटर ले लिया, वाटर की क्वांटिटी के हिसाब से उसके मॉलिक्यूल्स चेंज नहीं होंगे, उतने ही रहेंगे, कॉन्स्टेंट ही रहेंगे। तो यहाँ पे कंप्लीट होती है हमारी डेल्टस एटॉमिक थ्योरी। मॉलिक्यूल्स, अभी तक हमने डिस्कस करा था कि एटम्स क्या होता है, एटम होते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल, टीनी पार्टिकल। देन अब मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एक या दो, ये दो से ज्यादा एटम जो मिलके जो कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, कंपाउंड जो चार्ज फॉर्म कर रहे हैं, कुछ भी पार्टिकल फॉर्म कर रहे हैं, उन्हें हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी कंपाउंड का जो क्या कर रहा है, फ्रीली एग्जिस्ट कर रहा है, इंडिपेंडेंटली कर रहा है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है अपने एग्जिस्टेंस के लिए। देन सेकंड पॉइंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूट द सेम टाइप ऑफ एटम। जब एटम सेम होंगे तो फिर एक जो मॉलिक्यूल हम पे जो आ रहा है, या हम पे जो मिल रहा है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट करके जो बना रहा है मॉलिक्यूल, वो ऑफकोर्स ही बात है सेम होगा, क्योंकि जो एटम्स होंगे वो मास में सेम होंगे और उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। तो वो जब मिलके क्या करेगा, एक ही मॉलिक्यूल्स को बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे बॉडी में जो सेल्स सेम फंक्शन परफॉर्म करती हैं, वो क्या करती हैं, एक ही क्या बनाती है, एक ही जाके टिश्यू बना लेती है। वो टिश्यू क्या होता है, उस टिश्यू में जितनी भी सेल्स प्रेजेंट होंगी क्या करेंगी, सब ना से सबका सेम फंक्शन ही होगा, या तो देखने का ही होगा, बोलने का ही होगा, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन मॉलिक्यूल्स मे बी मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक। मॉलिक्यूल्स क्या होता है, डायएटॉमिक मतलब दो से ज्यादा एटम भी हो सकते हैं, तीन, ट्राइएटॉमिक तीन से ज्यादा, पॉलीएटॉमिक मतलब चार से ज्यादा। देन मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड जॉइंट टुगेदर इन अ डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड कॉन्स्टिट्यूट डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। अगर मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या करता है, एक साथ ज्वाइन करता है, देन इनडेफिनेट प्रॉपर्टीज, मतलब उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी कैसी होंगी, डेफिनेट होंगी, ठीक है, इनडेफिनेट प्रॉपर्टीज नहीं होंगी। मॉलिक्यूल किसी कंपाउंड का क्या कर रहा है, डेफिनेट प्रॉपर्टीज में जुड़ रहा है एंड कॉन्स्टिट्यूट आर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, और क्या बना रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम को फॉर्म कर रहा है मॉलिक्यूल, ठीक है। देन एटॉमिसिटी, द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज रोल एज इट्स एटॉमिसिटी। जो नंबर ऑफ एटम है, ठीक है, अब एक मॉलिक्यूल को बनने के लिए किस चीज की नीड है, एटम्स की है, तो क्या जो नंबर ऑफ एटम्स है ना जो मिलके मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, उसे हम कहते हैं एटॉमिसिटी कहते हैं। एक नंबर ऑफ एटम दैट कॉन्स्टिट्यूट मॉलिक्यूल इज नोन एज एटॉमिसिटी। देन
एटॉमिसिटी के टाइप अगर देखे टाइप्स, तो एमोनो एटॉमिक होता है ठीक है, एक एटम का, डायटॉमिक दो, ट्राइटॉमिक तीन, टेट्राएटॉमिक मतलब चार एटम ठीक है। इतना ही था हमारे एटॉमिसिटी में, अपन हमें वैलेंसी वगैरह आ गए। द चार्ज पार्टिकल एटम्स आर कॉल्ड आयन। जो चार्ज पार्टिकल होते हैं किसके ऊपर, किसी भी कंपाउंड्स के ऊपर, मॉलिक्यूल के ऊपर क्या होते हैं, आयन्स होते हैं। आयन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, क्या होता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। दे आर फॉर्म्ड बाय टेकिंग पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ऑन इट। क्या बोला मैंने कि दे आर फॉर्म्ड बाय अटेनिंग ठीक है, कैसे हो रहे हैं, तो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा या फिर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। देन नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एनायन। दो टाइप्स के हम पे आयन प्रेजेंट होते हैं, एक अनायन एंड दूसरा कैटायन। जो नेगेटिवली चार्ज होगा वो होगा अनायन, फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन। क्लोरीन के ऊपर जो चार्ज होता है क्या होता है, नेगेटिव होता है। पर हम बात करें पॉजिटिवली चार्ज आयन की तो उससे हम कहेंगे कैटायन, क्या कहेंगे, कैटायन। उसके एग्जाम्पल हो सकते हैं सोडियम। अब इसके बाद आते हैं कि वैलेंसी क्या होता है। वैलेंसी होती है एक एबिलिटी ऑफ एन एटम टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। एक ऐसी एबिलिटी एटम की जिसमें या तो वो लूज कर ले या तो वो गेन कर ले, क्या, एटम को ठीक है, नॉट एटम को, किसको, इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, तो उनको अटेन करने की ना, उनको एबिलिटी, उनको लेने की जो एबिलिटी होती है, छोड़ने की जो एबिलिटी है, उसे हम वैलेंसी कहते हैं। क्यों, टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या अभी हम पढ़ेंगे आगे धीरे धीरे। अब द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है ना किसी भी एक एलिमेंट की, उसे हम वैलेंसी कहते हैं। वैलेंसी इज यूज to find out how the atom of an element will combine with the atom of another element to form a chemical compound। Valency ये निकालना सिखाती है कि एक element का जो atom है वो दूसरे element के atom के साथ कैसे combine होगा ठीक है। क्या इस मान लो इस marker का atom और इस board का जो atom होगा वो एक दूसरे कैसे combine होगा to form a chemical compound known as valency ठीक है। no, sorry ये valency का तो use था, तो हमें अब सीखना है आगे की वैलेंसी के और क्या क्या मेन मेन पॉइंट्स हैं। वैलेंसी अभी तक हमने पढ़ा था कि वैलेंसी क्या होता है, क्या होता है, इट इज एन एबिलिटी टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या थी, हमारी वैलेंसी थी। अब ना हमें वैलेंसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं कि वैलेंसी, अगर वैलेंस शेल में इतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो वैलेंसी क्या होगी एंड वैल्यू ठीक है। तो बात करते हैं हमारे शेल की, तो हमारे शेल में चार शेल बने होते हैं, फो के एल एम एन, उनमें से के एल एम एन। सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में क्या होता है, 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, अंदर वाले में 8, देन 8, देन 2, ऐसे इनकी नंबरिंग होती है 2, 8, 8, 18 ठीक है। देन इसके बाद अगर आप पढ़ते हैं किसी पहले पॉइंट को, इफ एन एटम कंसिस्ट 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। अगर एक इलेक्ट्रॉन के पास वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो उसकी वैलेंसी भी क्या होगी, 1, 2 या 3 होगी। अगर वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है देन उसकी वैलेंसी भी क्या होगी, 1 होगी। 2 प्रेजेंट है तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, 2 होगी। 3 प्रेजेंट, 3 होगी। वैलेंसी करते भी धीरे धीरे करके निकालेंगे कि हम बिना इसको मेमोराइज करे भी वैलेंसी कैसे निकाल सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, इफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, देन इट विल गेन 3, 2 और 1 रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि अगर एक एटम के पास 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, उसकी वैलेंसी होगी 3, 2 और 1। अब बोलेंगे ठीक है 3, 2, 1 ठीक है, पर मैं 1, 2, 3 क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि ना आउटर मोस्ट शेल में 8 प्रेजेंट होते हैं, तो 8 की उसे हम करें तो हम 8 में से माइनस करते हैं, तो अगर हम 8 में से 5 माइनस करेंगे तो हमें कितना आएगा, 3। अगर हम 6 में से 2 8 में 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, हमें 2। अगर हम 8 में से 7 माइनस करेंगे तो हमें क्या आएगा, 1। तो ऐसे वाली वैलेंस इस तरह की निकलती है। अब हम थोड़ा ब्रॉडर करके पढ़ेंगे थोड़ी देर में। अब इसका आता है, इफ एन एटम हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल देन इट विल शेयर दिस इलेक्ट्रॉन एंड हेंस इट्स वैलेंसी विल बी 4। क्या बोला, अगर एक एटम के पास हमें ना 8 से माइनस करने की जरूरत तब पड़ती है जब हमारा जो वैलेंस शेल में जो नंबर प्रेजेंट ना बहुत ज्यादा बड़ा है। अगर 1, 2, 3, 4, 5 की कैटेगरी के अंदर आते हैं ना तो हमें उसके पास उसको कुछ भी उसमें गड़ाने मतलब बढ़ाने घटाने की जरूरत नहीं है। तो क्या बोला, इफ एन एटम हैज 4 इलेक्ट्रॉन, अगर एक एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है
इन द आउटर मोस्ट शेल, सबसे बाहर वाले शेल पे, देन इट विल शेयर दिस इलेक्ट्रॉन एंड हेंस इट्स वैलेंसी विल बी 4। तो अब उसे चार की तो जरूरत है ही नहीं, मतलब उसके पास 18 है ना, तो वो क्या करेगा? जब मान लो कि मेरे पास, मान लो मेरे को जाना है कहीं घूमने एंड मेरी फ्रेंड को भी जाना है घूमने, मेरे और हमें जो रिक्वायर्ड मनी है वो है 1000 रुपीज। मान लो उसके पास 800 है, मेरे पास 200 है, तो किसमें फायदा होगा? मैं उसे 200 दे देती हूँ। तो ऐसे ना इसी में भी कुछ ऐसे ही गेम होता है कि जिसको जरूरत है, जिसके पास ज्यादा वो है ना उस गेन करने की पावर, वो ले लेगा। तो उसकी वजह से भी क्या होगी, 4 होगी। इफ एन एटम हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड इट्स वैलेंसी विल बी 0। अगर बाहर वाले इलेक्ट्रॉन शेल में क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि वो अंदर देगा ही नहीं, क्योंकि वो क्या है, स्टेबल हो चुका है, उसका 8 इलेक्ट्रॉन्स की नीड थी, वो 8 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास है, तो ना ही आगे कुछ देगा, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, 0 होगी। पढ़ते इसके आगे और क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। एटॉमिक मास, अभी तक हमने डिस्कस करा था कि मॉलिक्यूलर मास क्या है, अब हम पढ़ना है कि एटॉमिक मास क्या है। एटॉमिक मास कैन बी डिफाइंड एज द टोटल मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी गिवन एलिमेंट। कोई भी हमारे पास एलिमेंट है तो उसमें से सेपरेट एलिमेंट इंडिविजुअल एटम का जो मास होगा वही क्या है, एटॉमिक मास है। क्या है, द टोटल मास ऑफ वन एटम, टोटल मास किसी एक एटम का ऑफ एनी गिवन एलिमेंट, कोई से भी एलिमेंट हमारे पास जो गिवन है उसके एटम का जो मास है क्या है, एटॉमिक मास है। देन द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास इज कॉल्ड यूनिफाइड एटॉमिक मास, जिसे हम यू से डिनोट करते हैं। यूनिट, अगर बात करें यूनिट की, तो यूनिट जो है एटॉमिक मास का, एटॉमिक मास का जो यूनिट होगा उसे हम कहेंगे यूनिफाइड एटॉमिक मास, यूनिफाइड एटॉमिक मास डिनोटेड बाय यू। मोस्ट ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ अ सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या थे, जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे, प्रोटॉन क्या है, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। तो बात करें एटम के मास की, तो एटम का मास किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, एक तो प्रोटॉन्स के ऊपर एंड दूसरा न्यूट्रॉन्स के ऊपर। देन देयरफॉर इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू इट्स मास नंबर, इसलिए जो एटॉमिक मास है उसके मास नंबर के इक्वल होता है, क्योंकि जो वो बन रहा है वो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। देन हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, एटम एग्जिस्ट करते कैसे, क्योंकि एटम एक ऐसा स्टेट है जो कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर और कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, ना ही बनाई जा सकती है ना ही तोड़ी जा सकती है किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान। सो एटम एग्जिस्ट कैसे करते हैं, हमने पहले पढ़ा था मॉलिक्यूल्स के बारे में, तो मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे थे, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे थे, बट एटम्स करते हैं या नहीं, एटम्स नहीं करते। एटम of most element are not able to exist independently. Atoms क्या करते हैं, independently exist नहीं कर सकते। Atoms form molecule and ion. Atoms क्या form करते हैं, molecules form करते हैं and ions form करते हैं। These molecules or ions aggregate in large numbers to form the material that we can see, feel and touch. इतने सारे molecules और ion मिलकर क्या बनाते हैं, matter constitute करते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, feel कर सकते हैं, touch कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एटम्स क्या है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं है, उन्हें एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। जैसे कि सेल, सेल भी क्या है, सेल भी सबसे छोटी यूनिट हमारी बॉडी की, तो उससे भी ना वो टिश्यूज को फॉर्म करते हैं, ऑर्गन्स, देन ऑर्गन सिस्टम्स को फॉर्म करते हैं, जिससे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। यही क्या था हमारा एटॉमिक, हाउ टू एटम एग्जिस्ट के बारे में। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या, व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला है क्या। A chemical formula is defined as a collection of chemical symbol. Chemical symbol का मतलब है कि अगर मैं हाइड्रोजन बोल रही हूँ तो हाइड्रोजन का सिंबल होगा क्या होगा, H होगा। एक टेबल थी ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, कार्बन, ऐसे करके, तो कहते हैं उसके साथ साथ में सिंबल्स भी गिवन एनसीईआरटी की बुक्स में। जैसे हाइड्रोजन का हो गया तो एच हो गया, यहाँ बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का हो गया O, जो कलेक्शन होता है ना, जो हमें, हम यूज करते हैं किसी भी केमिकल नेम को शो करने के लिए, यूज द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड एंड इट्स प्रोपोर्शन। किसी भी एक कंपाउंड या किसी एलिमेंट के अंदर जो प्रेजेंट होगा ना, वो कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है,
क्या क्या प्रेजेंट है उसको उसको दिखाता है केमिकल फॉर्मूला. फॉर एग्जाम्पल द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉटर इज H2O. वेरी कॉमन H2O क्या वॉटर है जिसमें क्या होता है दो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल किसका प्रेजेंट है ऑक्सीजन का. द केमिकल फॉर्मूला वॉटर इज H2O. इट सेज दैट टू हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन विद वन ऑक्सीजन एटम टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ वॉटर. क्या बोला कि दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल किसका ऑक्सीजन का आपस में मिलकर क्या बनाते हैं वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं. बात करें वाटर की तो वाटर बनता कैसे टू हाइड्रोजन के एटम कोई भी सोर्स हो डजेंट मैटर पानी कहीं से भी आ रहा हो कुएं से आ रहा हो टैप में से आ रहा हो रिवर का हो ओशन का हो सी का हो पॉन्ड का हो डिपेंडिंग करते कि वाटर है तो ठीक है वाटर में इसका क्या होगा उसमें दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे और एक ऑक्सीजन का ही प्रेजेंट होगा. दो एक तो हाइड्रोजन और एक एटम या एग्जाम्पल जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तो उसमें क्या होगा CO2 तो उसमें क्या एक जो हम पे प्रेजेंट है एक तो हम पे जो सी क्या हमारा कार्बन कार्बन को हम सी से डिनोट करते हैं तो क्या एक कार्बन का जो हम पे वो प्रेजेंट है का मॉलिक्यूल वो कितना है एक ही है. बड़ा बात करें ऑक्सीजन की ऑक्सीजन कितने दो है इट मीन्स कि एक कार्बन का मॉलिक्यूल और दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आपस में मिलकर वो कंस्टिट्यूट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. अब कुछ कुछ जो पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए केमिकल फॉर्मूले लिखते वक्त वो देख लेते हैं. केमिकल फॉर्मूला अभी तक हमने पढ़ा केमिकल फॉर्मूला क्या है. अब केमिकल फॉर्मूला को लिखने में क्या क्या रूल्स को हमने अपने माइंड में रखना है वो पढ़ेंगे. सो पहला क्या है द वैलेंसीज और चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बी बैलेंस्ड. मतलब जो वैलेंसी होगी या जो आयन होंगे या तो नेगेटिव या पॉजिटिव आयन जो प्रेजेंट होंगे उसकी शेल के ऊपर तो वो क्या होंगे बैलेंस्ड होने चाहिए. 2-8-8-18 का हमारा शेल होता है इस ग्रुप में तो इसी में होना चाहिए मतलब बैलेंस्ड होना चाहिए अनबैलेंस नहीं होना चाहिए. पहले तो हमारे ये होगी मेरा कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ अ मेटल एंड अ नॉन मेटल. एक कंपाउंड कंसिस्ट करता है मेटल का या नॉन मेटल का. फॉर एग्जाम्पल NaCl सोडियम क्लोराइड नमक क्या ऐसे मेटल भी प्रेजेंट है नॉन मेटल भी प्रेजेंट है. तो क्या कह रहा है कि मेटल एंड नॉन मेटल जब दोनों प्रेजेंट हैं तो उनके सिंबल कैसे कैसे रखने हैं. द नेम और सिंबल ऑफ द मेटल इज रिटन फर्स्ट. नेम या सिंबल मतलब हम उसको केमिकल फॉर्मूला लिखते हुए ना हमें उसको पहले सिंबल ध्यान रखना है. अगर बात करती हूँ मैं सोडियम की तो सोडियम का जो हमारा सिंबल होगा वो क्या होगा Na होगा डेट इज सोडियम होगा. क्लोराइड का क्या होगा Cl होगा. पोटेशियम का क्या होगा K होगा. कैल्शियम का क्या होगा Ca होगा. तो ये क्या कुछ फॉर्मूले हैं कुछ सिंबल्स हैं जो हमें अपने माइंड में रखने हैं. तो क्या था द नेम और सिंबल ऑफ द मेटल इज रिटन फर्स्ट. नेम या फिर सिंबल ठीक है उस मेटल का क्या होना चाहिए पहले लिखा होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड CaO क्या है कैल्शियम है केमिकल फॉर्मूला है देन ओ सॉरी सो वो है सिंबल है इसका. देन सोडियम क्लोराइड का क्या है NaCl जिसमें Na पे पॉजिटिव चार्ज है Cl पे माइनस चार्ज है. आयरन सल्फाइड FeS आयरन का सिंबल होता है Fe डेट इज फेरस. देन सल्फाइड जो सल्फर है सल्फर का केमिकल होता है हमारा S. 20 तक आपको ये टेबल मेमोराइज करनी है साथ साथ तक. एस देन है कॉपर ऑक्साइड डेट इज कॉपर क्या कॉपर का क्या होता है हमारा सिंबल डेट इज Cu ऑक्साइड का होता है O डेट इज ऑक्सीजन एक्सेट्रा. ऑक्सीजन क्लोरीन सल्फर आर नॉन मेटल्स. ऑक्सीजन क्लोरीन सल्फर क्या है हमारे नॉन मेटल है ठीक है क्या है नॉन मेटल है. तो देखा कि जो हमारे नॉन मेटल है वो कब आ रहे हैं बाद में आ रहे हैं जैसे कि ऑक्सीजन कैल्शियम के बाद आ रहे हैं क्लोरीन क्लोराइड क्या सोडियम के बाद आ रहा है एंड देन सल्फर किसके बाद आ रहा है फेरस के बाद आ रहा है. तो किसमें लिखी होनी चाहिए नॉन मेटल होनी चाहिए ना हमेशा केमिकल फॉर्मूले में राइट में लिखी होनी चाहिए लेफ्ट में नहीं. लेफ्ट में जो लिखते हैं वो होते हैं मेटल्स. वेयर एज कैल्शियम सोडियम आयरन एंड कॉपर आर मेटल. अगर अलग देखें तो फिर क्या है कैल्शियम सोडियम एंड फेरस ठीक है क्या होंगे ये मेटल्स हैं. तो ये किस तरफ लिखे होनी चाहिए लेफ्ट तरफ लिखे होने चाहिए. ये जरूरी होता है किसी भी केमिकल फॉर्मूला का अगर आप बना रहे हो तो इन सब रूल्स को अपने माइंड में रखना बहुत जरूरी है. देन आई रिटन ऑन द लेफ्ट कंपाउंड फॉर्म्ड विद पॉली एटॉमिक आयंस. आयंस इज एनक्लोज्ड इन अ आयंस इज एनक्लोज्ड इन सो सॉरी
Ions is enclosed in a bracket. Number of polyatomic ion is one. The bracket is not required. कह रहा है कि अगर तुम्हें हमें अगर दो से ज्यादा कि हम वो सिंबल का यूज कर रहे हैं तो पीछे ब्रैकेट आना जरूरी है. बट इन सेंस क्या होगा वो अलग अलग उसके डिफरेंट कैटेगरीज के हैं. फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम Al2SO4 के दोनों थोड़े डिफरेंट डिफरेंट हैं तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है क्योंकि हमें दो अलग अलग आयन सॉरी मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं या हम कहेंगे मेटल या नॉन मेटल आ चुके हैं तो उसके पीछे क्या ब्रैकेट लगाना जरूरी है. बट हम बात करें अगर यहाँ पे एक ही प्रेजेंट हो इफ द वन नंबर पॉलीटॉमिक आयन इज वन अगर पॉलीटॉमिक जो आयन होगा सिर्फ एक होगा जैसे NaOH तो क्या होगा हमें ब्रैकेट नहीं लगाना है. इसके अलावा जो एक और रूल है वो क्या है कि जो हमारा पहला लेटर होना चाहिए शुड बी कैपिटल. सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहला लेटर शुड बी कैपिटल ठीक है. फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल जैसे कि यहाँ पे CAO है तो यहाँ पे सी के कैपिटल है एन कैपिटल है एफ कैपिटल है तो ये क्या है हमारे कुछ रूल्स हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए केमिकल फॉर्मूले को लिखते हुए. फिर से रिवाइज कर लेते हैं. बैलेंसी जो होनी चाहिए चार्ज पे जो आयंस होनी चाहिए बैलेंस रहनी चाहिए. इसमें मेटल बाद में मेटल लेफ्ट में आएगा नॉन मेटल राइट में आएंगे. देन यहाँ पे कि ब्रैकेट किस में लगेगा जहाँ पे दो अलग अलग डिफिनेटिव के आइटम्स बनने आइटम में वो आयंस प्रेजेंट हुआ है एक है तो नहीं लगेगा. एंड द फोर्थ वन कि जो हम पे जो भी हम कुछ भी केमिकल फॉर्मूला लिख रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए पहला लेटर उसको कैपिटल होना चाहिए. अब इसके आगे पढ़ते हैं और क्या क्या चीजें हैं. मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला यूनिट मास अब इन दोनों को डिस्कस करना है. ये ना ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं इनमें बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है. एक में ना इसकी ना एटम के ना जो सब्सटेंस प्रेजेंट है उनका एडिशन होता है दूसरे में क्या प्रेजेंट है उनका जो एटॉमिक मास है. पहला क्या है मॉलिक्यूलर मास इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल. क्या है ये एक सम है एडिशन है किसका एटॉमिक मासेस का जो किसमें एक मॉलिक्यूल में और मॉलिक्यूल किसमें प्रेजेंट एक सब्सटेंस में तो सब्सटेंस के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स है ना उनके एटॉमिक मास का क्या ही सम है. इट इज एक्सप्रेस इन एटॉमिक मास इन टू इसको हम कैसे एटॉमिक मास को किस चीज से डिनोट करते हैं यू से डिनोट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेते हैं ये है क्या टू हम पे H2 का होता है जिसमें हाइड्रोजन के हम पे क्या है दो मॉलिक्यूल है वेयर इज ऑक्सीजन का हम पे एक ही मॉलिक्यूल है. हाइड्रोजन के दो ऑक्सीजन का एक तो हम इसका ऐसे लिखते हैं ऐसे लिख सकते हैं 2H+O इज इक्वल टू H2O दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं हम एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का क्या मिलेगा हमें H2O मिलेगा दैट इज वाटर मिलेगा. देन एग्जाम्पल यहां था मेरा क्योंकि तो अगर हम बात करें हाइड्रोजन के एटॉमिक मास की तो हाइड्रोजन भी वैसे मेरे टेबल सबसे पहला आता है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरियम कार्बन ठीक है. तो हाइड्रोजन क्या पहला है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होगा 1 होगा और ये इंटू 2 क्यों है क्योंकि इसमें दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो इंटू 2 हो गया प्लस O2 क्या 16 कैसे हुआ. ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है 8 होता है और ऑक्सीजन यहाँ पे कितने प्रेजेंट है O2 टू तुमने 8 × 2 16 दो आ गया हम पे 2 आ गया और 16 आ गया 2 + 16 = 18 यू एट 18 एटॉमिक मास हम पर आ गया. इतना ही था किसमें मॉलिक्यूलर मास में. अब आती है फॉर्मूला यूनिट मास की इसमें भी इसमें मोस्टली सेम वही है. इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑल द एटम्स इन अ फॉर्म इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड. इसमें एक मॉलिक्यूल के सब्सटेंस की बात हो रही थी इसमें किसकी बात हो रही है फॉर्मूले की यूनिट ऑफ अ कंपाउंड. इसमें भी एडिशन ही हो रहा है बट हो किसका रहा है एटम्स इन अ फॉर्मूला यूनिट. एक एटम जो फॉर्मूला यूनिट में प्रेजेंट है एट द टाइम जो प्रेजेंट है द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयन जो पार्टिकल्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट है ना जो बन रहे हैं मिलकर बन रहे हैं वो क्या है आयन्स है दैट कैन बी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स. लेट इज एग्जाम्पल लेते हैं NaCl का सोडियम क्लोराइड नमक का. तो हमारा सोडियम क्या होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है बट क्लोरीन क्या होता है हमारा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है. तो Na+Cl क्या गिव्स देता है हमें NaCl. ये हमारे क्या हमारे रिएक्टेंट है ये हमारा प्रोडक्ट है तो
हमारे सोडियम क्या क्या है, एक ही हम पे सोडियम के पास कोई और अलग मतलब एक्स्ट्रा थोड़ी है, सोडियम अभी एक ही प्रोटॉन है। 23 क्या है सोडियम का एटॉमिक मास है, उसके पास कोई एक्स्ट्रा सोडियम नहीं है, तो 1 से हम 23 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 23 प्लस 1 इंटू में 35.5, कुछ हमें 5 से 6 एटॉमिक सिंबल ऐसे हैं कि हमको एटॉमिक मास रिमेम्बर करने हैं। तो सोडियम का क्या होता है 23 होता है, एंड क्लोरीन का क्या होता है, हाँ क्लोरीन का क्या होता है 35.5 होता है। अगर मेरे को ऐड करें तो 23 प्लस 35.5 गिव्स यू 58.5 एटॉमिक मास। ठीक है, इतना ही क्या था हमारा मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला यूनिट मास में ऑलमोस्ट दोनों सेम है, बस थोड़ा थोड़ा उनके एडिशन में उनकी जो हम चीज से हमारी वैल्यू आ रही है उस मेथड को कहें तो उसमें हल्का फुल्का डिफरेंस है, बाकी दोनों सेम है। अब आगे पढ़ते हैं कि एटॉमिक मास क्या है, थोड़ा एटॉमिक मास को डिटेल में पढ़ लेते हैं। एटॉमिक मास क्या है, मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट है क्या, मोल इज अ मेजरमेंट इन केमिस्ट्री, मोल क्या है एक मेजरमेंट है केमिस्ट्री के अंदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे बात लेते हैं शुगर की, ठीक है, शुगर में जो शुगर मान लो 20 ग्राम शुगर अभी प्रेजेंट है मेरे पास, ठीक है, तो क्या है इसमें ग्राम है ना, तो ग्राम किसकी मेजरमेंट है, मतलब वो कितनी क्वांटिटी में है वो बता रहे हैं ग्राम वर्ड। ये हम एग्जाम्पल लेते हैं किसी का वेट का, तो मान लो किसी का वेट 50 किलोग्राम है, 60 किलोग्राम है, तो जो केजी जो है ना क्या एक टाइप की मेजरमेंट है जो बता रहे कि उसका वेट है कितना। या अगर एग्जाम्पल तो हाइट का, हाइट हम सेंटीमीटर में देखते हैं, मीटर में देखते हैं, फुट में देखते हैं, इस चीज में। इट इज यूज टू एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस, यूज होता है किस चीज में, केमिकल सब्सटेंस के अंदर कितना वैरायटी में कितनी क्वांटिटी में वो प्रेजेंट है, इसे इसमें लिखते हैं MOL में लिखते हैं मोल को। देन 1 mole इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ अ सिस्टम, 1 mole को डिफाइंड किया जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को डिफाइंड किया जाता है, अमाउंट मतलब उसके अंदर कितना प्रेजेंट है ऑफ अ सिस्टम, किसी एक सिस्टम का, विच कंटेन मैनी एंटिटीज लाइक, जिनके अंदर बहुत सारी एंटिटीज होती है, जिसमें होता है एटम्स, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, देन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ मोर देन वन पार्टिकल, ठीक है, देन उसके अंदर आयंस, आयंस कैन बी नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, मतलब कि जो ये हमारे 1 mole है किस चीज के एंटिटी का बना हुआ है, मतलब क्या क्या उसके अंदर प्रेजेंट है, एटम्स प्रेजेंट है, देन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, देन आयंस प्रेजेंट है, ये सब चीज क्या कुछ प्रेजेंट है किसके अंदर, 1 mole के अंदर। एज देयर आर एटम्स इन 12 grams ऑफ कार्बन, 12 जैसे कि एटम्स के अंदर 12 ग्राम कार्बन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एवोगैड्रो नंबर क्या है, द नंबर ऑफ द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 mole ऑफ एनी सब्सटेंस, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं ना किसी भी एक सब्सटेंस के, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 mole ऑफ एनी सब्सटेंस, जो नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट है 1 mole के सब्सटेंस में किसके इक्वल होंगे, इस नंबर की 6.022 में 10^23 के इक्वल होंगे, दिस इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर और एवोगैड्रोस कांस्टेंट, इसको क्या कहते हैं, एवोगैड्रोस नंबर कहेंगे या फिर एवोगैड्रोस कांस्टेंट कहेंगे। अब हमें डिस्कस करना है मोलर मास के बारे में, मोलर मास का फॉर्मूला देखिए तो ये होता है एम अपॉन एन, एम हो गया मास एंड एन हो गया नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन दैट पार्टिकल या इन दैट सब्सटेंस, तो मास ऑफ 1 mole ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स मोलर मास, मास इसका 1, अभी हमने पढ़ा था कि 1 mole क्या होता है, अब उस 1 mole का जो मास होगा ना वही क्या होगा हमारा मोलर मास होगा। देन आता है हमारा, ठीक है, समझ आ गया, क्लियर हो गया कि 1 mole का जो मास होगा, ठीक है, 1 mole कुछ भी हो सकता है, उसका जो मास होगा वो क्या होगा, मोलर मास होगा, मोलर मास। फिर उसके बाद लास्ट जब हम एग्जाम्पल लेते हैं, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, मतलब इसमें भी किस चीज का एग्जाम्पल ले लें, H2O का ले लें, जिसमें ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का आपस में कॉम्बिनेशन होकर वाटर, कौन सी वाटर फॉर्म कर रहे हो, 2H2+O2 गिव्स यू 2H2O, 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, इसमें क्या है 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, 2 तो यहाँ पे है, 2 × 2 = 4, और 2 किसके हैं, और 1 हाइड्रोजन का। देन द अबव रिएक्शन इंडिकेट्स दैट, क्या हमें क्या देखने में कुछ ऑब्जर्व करते हैं ना, हम किस चीज को देख के कि हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस चीज को देख के क्या नोटिस कर रहे हैं, 2 molecules ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद 1 molecule ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 molecules ऑफ वाटर,
कह रहा है कि दो मॉलिक्यूल किस चीज के, हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन के हमने दो मॉलिक्यूल लिए, कंबाइन करें किसके साथ, वन मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। क्या करें हमने, दो मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन लिए, हमने दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल लिए, किसके साथ कंबाइन करें हमने, एक मॉलिक्यूल किसका, ऑक्सीजन के साथ, टू फॉर्म टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ताकि हमें क्या मिले, वाटर का दो मॉलिक्यूल, मतलब H2O ने टू H2O मिले, दैट इज टू H2, मतलब वाटर के हमें दो मॉलिक्यूल मिलेंगे। फोर यू, यू है था हमारा एटॉमिक मास, U of hydrogen molecules combined with 30 U of oxygen molecules to form 36 U of water molecule. अब हाइड्रोजन क्या है, 4 है, चार हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन का जो हमारा एटॉमिक मास है एक ही होता है, तो 4 into 1 कितना हो गया, 4 हो गया। तो बोले कि 4 एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास कितना गिवन है, 4 गिवन है, ऑक्सीजन का कितना गिवन है, 32 गिवन है। तो ऑक्सीजन और जो हमारा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल मास को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 36 मिलेगा, 32 प्लस 4 36 यू मिलेगा हमें ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो इतना क्या था हमारा, यही था हमारा मूल कॉन्सेप्ट, ये हमारा मूल कॉन्सेप्ट खत्म होता है। कुछ कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने थे, ये सबसे मेन हमें केमिकल फॉर्मूले के हमें जो मेन पॉइंट याद रखने वो भी याद रखने, मूल कॉन्सेप्ट के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। अब यहाँ पे हमारा चैप्टर हो गया एंड, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में और कुछ कुछ हम बैलेंसेस कैसे निकालते हैं उसके बारे में। तब तक थैंक यू, बाय, स्टे ट्यून्ड।